पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने उन आलोचकों की आलोचना की है जिन्होंने मौजूदा वनडे विश्व कप 2023 में टीम के बजाय व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली को स्वार्थी कहा है। रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत द्वारा लगातार रोहित शर्मा और शुभमन गिल के विकेट गंवाने के बाद कोहली के पास साझेदारी बनाने और कोलकाता की मुश्किल पिच पर भारत को फिर से खड़ा करने का काम था। भारत के स्टार बल्लेबाज ने निराश नहीं किया और अपने 35वें जन्मदिन पर अपना 49वां वनडे शतक जड़कर 50 ओवर के क्रिकेट में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के शतकों की बराबरी कर ली है। हालांकि पिच पर इतना समय बिताने के बावजूद कोहली अपने आक्रामक अंडज में नजर नहीं आ रहे थे, जिसको लेकर कोहली को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। 35 वर्षीय खिलाड़ी को पहले भी अपना शतक बनाने के लिए अधिक गेंदों का उपभोग करने और इसके बजाय न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल में टीम की स्कोरिंग दर को प्राथमिकता देने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, अब भारत के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने सोशल मीडिया पर कोहली के आलोचकों की आलोचना की है और नए मानक स्थापित करने और अपने सपनों का पालन करने के लिए बल्लेबाज की सराहना की है। विराट कोहली के स्वार्थी होने और व्यक्तिगत उपलब्धि के प्रति जुनूनी होने के बारे में अजीब तर्क सुनने को मिल रहे हैं। हाँ, कोहली स्वार्थी है, इतना स्वार्थी है कि 1 अरब लोगों के सपनों का पालन नहीं कर सकता, इतना स्वार्थी है कि इतना कुछ हासिल करने के बाद भी उत्कृष्टता के लिए प्रयास कर सकता है, इतना स्वार्थी है कि नए मानक स्थापित कर सकता है, इतना स्वार्थी है कि अपनी टीम की जीत सुनिश्चित कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपनी शतकीय पारी के दौरान कोहली ने घरेलू मैदान पर 6000 वनडे रन का आंकड़ा भी पार कर लिया है। वो वनडे विश्व कप में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने के मामले में श्रीलंका के कुमार संगकारा को भी पीछे छोड़ दिया है। चेज मास्टर अब विश्व कप में रन बनाने वालों की संख्या में केवल अपने हमवतन सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग से पीछे हैं। कोहली के नाबाद 101 रन और रविंद्र जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बदौलत भारत ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका टीम को 245 रनों की करारी शिकस्त दी। लगातार 8वीं जीत के साथ भारत ने अंक तालिका में अपना शीर्ष स्थान सुनिश्चित कर लिया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका, जिसने सेमीफाइनल में भी जगह बनाई है, नॉकआउट चरण से पहले खेल से कुछ सीखने की उम्मीद करेगा। अगर वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।